हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और गाइज, आज का वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं और एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हायरिंग के ऊपर जो आ रहा है टॉपर की तरफ से। और एक चीज़ मैं बता दूं, टॉपर जो है अभी बायजूस के अंडर जा चुका है, तो टॉपर को एक्वायर कर लिया है बायजूस ने। तो इनडायरेक्टली बायजूस के लिए होने वाला रिक्रूटमेंट, मगर अब इसमें जो कंपनी अभी जो है हायर कर रहे हैं वो है टॉपर, मगर टॉपर जो अभी बायजूस के अंडर जा चुका है। तो यहाँ पे हायरिंग होने वाला है SME की, जो कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है उनके लिए। उसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ों के लिए होने वाला है, जैसे कि यहाँ पे जो कंटेंट डेवलप करते हैं उसके लिए भी है। कंटेंट डेवलप का मतलब एज ए एडुकेटर, एडुकेटर हैं जो स्टूडेंट के लिए डाउट सॉल्विंग की क्वेश्चन सॉल्व करता है, उसके साथ साथ टेक्स्ट बुक के जो है सॉल्व भी करता है, उनको डाउट भी सॉल्व करके देता है। उसके साथ साथ एडुकेटर वो जो क्वेश्चन डेवलप करता है, लाइक टेस्ट सीरीज वगैरह हो रहा है उसके लिए भी जो क्वेश्चन डेवलप करते हैं। तो एक कंप्लीट हायरिंग है और एक फुल टाइम अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। आप फुल टाइम काम कर सकते हैं, एक परमानेंट जॉब की तरह से जो है काम कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपको चाहिए 0 to 4 years। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप जो अप्लाई कर पाएंगे, अगर आप केपेबल हैं तो आपको मौका दिया जाएगा यहाँ पे काम करने के लिए। सैलरी काफ़ी अच्छी तरीके से दिया जाएगा आपको। सैलरी आप मान के चलिए आपको 3 से 5 लाख रुपये तक मिल सकता है। ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से नेगोशिएट करते हैं और किस तरीके से आपका नेगोशिएशन स्किल्स वगैरह हैं। मैं बता दूं आपको 3 लाख तो मिनिमम आपको यहाँ पर ईयर मिल जाएगा। मिनिमम 3 ईयर मतलब आप समझ के चलिए कि 20 से 25 हज़ार रुपये आपको हर महीने मिलेगा। ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से जो नेगोशिएट वगैरह करते हैं। तो ऑफर काफ़ी बढ़िया है, फुल टाइम भी है या कॉन्ट्रैक्ट, फुल टाइम और कॉन्ट्रैक्चुअल दोनों हैं। तो अगर आप चाहें तो फुल टाइम भी काम कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं 1 साल 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में काम करना चाहते हैं तो भी आप जो है यहाँ पे कर पाएंगे। तो कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप अप्लाई कर पाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मगर यहाँ पे कुछ कुछ सब्जेक्ट के ऊपर हायरिंग है, ये सब्जेक्ट आप जान लीजिए। सब्जेक्ट है यहाँ पे मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बायोलॉजी और केमिस्ट्री। फिलहाल तो इस सब्जेक्ट के लिए हैं, मगर फिर भी आपको जो है बाद में सब्जेक्ट दिया जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह होने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप जो है गेट या नीट या जो है JEE क्वालिफाइड हैं तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन मिलेगा। आपको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा इस प्लेटफॉर्म में और आपका सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा। मगर आप जो है क्वालिफाइड नहीं है सारे सब्जेक्ट के ऊपर, ये सारे एग्जाम्स के ऊपर, तो कोई भी टेंशन नहीं है। वहाँ पर इतना जो है स्ट्रिक्ट नहीं है कि आपको होना ही होना पड़ेगा। अगर हैं तो आपको बेनिफिट दिया जाएगा, अगर आप हैं क्वालिफाइड तो आपको जो है एडवांटेज दिया जाएगा जो हर प्लेटफॉर्म के अंदर हर जॉब के अंदर दिया जाता है। ओके, तो एक फॉर्म है, जो फॉर्म का लिंक है वो मैं डाल दूंगा मेरा जो है टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। आप जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से जो अप्लाई कर दीजिए। किस तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बता दूँ यहाँ पे। तो अगर आप, और एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल में लिए जाना चाहते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा 1 साल के लिए मिनिमम। तो आप मिनिमम 1 साल के लिए आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर काम करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पे, जो जो चीज़ें हैं जो क्वालिफिकेशंस हैं, जो आपको क्राइटेरिया वगैरह, वो मैं सभी आपको दिखाऊंगा वीडियो के उस साइड के अंदर। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। उसके बाद अगर आपको सही लगता है तो आप ज्वाइन कीजिए, फॉर्म को फिलअप कीजिए। जो आपको उसके बाद फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको होगा एक इंटरव्यू, इंटरव्यू को दीजिए। इंटरव्यू में बेसिकली आपको आपके बारे में पूछा जाएगा, अगर आपके एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में पूछा जाएगा। ये सब चीज़ के ऊपर बेसिकली इंटरव्यू होता है, जो कि टेलीफोनिक इंटरव्यू होने वाला है जो हर प्लेटफॉर्म के लिए होता है। तो वो सब चीज़ के ऊपर जाइए, सॉरी आप जो है अप्लाई कीजिए, लिंक भी जो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के अंदर। उसके बाद एप्लीकेशन आपका अप्रूव होता है, आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको कॉल आएगा, कॉल में इंटरव्यू दीजिए। अगर आपका सिलेक्शन हो पाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम दिखाते हैं किस तरीके से आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, उसके बाद हम जो है आपसे फिर से मिलते हैं। तो गाइस, हम जो आ चुके हैं टॉपर के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉपर की यहाँ पे जो हायरिंग फॉर्म है वो, इसका लिंक आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर, जिसका टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और ये फॉर्म को जो है अप्लाई कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे किस तरीके से क्या क्या काम आपको करने, वहाँ पर लिखा गया है तो वी आर हायरिंग एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स, और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए हायरिंग हो रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर 1 ईयर। पोस्ट इंच सिलेक्टेड एम्प्लॉइज भी एब्जॉर्व फॉर परमानेंटली, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फिल दिस फॉर्म नाउ। ओके, मतलब अभी जो है कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए हो रहा है, मगर बाद में जो उन्हीं को जो है कन्वर्ट कर दिया जाएगा फुल टाइम एम्प्लॉय के लिए। ये ज़्यादातर प्लेटफॉर्म में अभी हो रहा है। तो यहाँ पे रोल है जूनियर प्रोडक्ट डेवलपर, और जिसका जॉब डिस्क्रिप्शन है और डीचे दिया गया है। बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो जूनियर प्रोडक्ट डेवलपर SME सभी के लिए है, तो आपको सिलेक्ट कर दिया जाएगा बाद में आपको कौन से रोल में दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह हैं, तो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, आराम से पढ़िएगा, आपको लिंक आपको मिल जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ बेसिकली क्राइटेरिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्राइटेरिया में आपको बताया गया एक्सपीरियंस आपको फ्रेशर्स होगा तो भी चलेगा, 0 to 4 years के एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा। ओके, क्वालिफिकेशन आपको चाहिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट नहीं हो तो आप जो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एक्सीलेंट होना चाहिए, राइटिंग स्किल एक्सीलेंट होना चाहिए,
मैनेजमेंट स्किल आपका जो एक्सीलेंट होना चाहिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर आप एक एडुकेटर के लिए एक एडुकेटर के लिए आपको कम्युनिकेशन राइटिंग स्किल और जो है मैनेजमेंट स्किल बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सब चीज़ आपको जानना, आपका एक्सीलेंट होना ज़रूरी है। टूल्स आपको जानना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैथ इक्वेशन करके एक टूल है, वो भी आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा। उसके साथ साथ मैथ इक्वेशन टाइप, ये जो TBS प्रोग्राम था चेक के, उसके लिए भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टूल है मैथ इक्वेशन टूल। उसके साथ साथ और भी कुछ टूल यहाँ पर मैंशन करके दिया गया है, वो आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में आपको जो है सिखा दिया जाएगा। ओके, उसके साथ साथ आपको एडवांटेज होगा जब अगर आपका गेट क्वालिफाइड है, नीट और JEE क्वालिफाइड है, तो आपको एडवांटेज दिया जाएगा। ओके, एम्प्लॉय टाइप आपको यहाँ पे होगा फुल टाइम या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, जिस तरह मैंने आपको बताया। और ये जो है फंक्शनल एरिया असेसमेंट कंटेंट प्रैक्टिस एंड डाउट सॉल्विंग के ऊपर है, ये सब चीज़ आपको उतना ज़रूरी नहीं है। और फिलहाल के लिए जो है वर्क फ्रॉम होम है, तो ये चीज़ आप जान लीजिए, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जो वर्क फ्रॉम होम से ही मतलब घर से आपको जो आपका काम करना पड़ेगा। ओके, वो फॉर्म फिलअप, फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स है आपको देना पड़ेगा, आपका ईमेल एड्रेस, आपका फोन, आपका नेम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो मैंने यहाँ पर डिलीट कर रखा है फिलहाल, तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर डालना है आपको। उसके बाद आपको देना पड़ेगा आपका हाइस्ट क्वालिफिकेशन, तो मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो चलेगा। ओके, मेरा बीटेक है तो मेरा बीटेक यहाँ पर मेंशन करके रखा है। सब्जेक्ट आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जिस तरह से मैंने बताया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, ये चार सब्जेक्ट अभी हैं। इन सब्जेक्ट में से आपको चूज़ करना होगा एक सब्जेक्ट, उसके बाद आपको चूज़ करना होगा आपका एक्सपीरियंस कितने सालों का है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कौन सी जगह में आपने पढ़ाते हैं, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करके देना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं तो आप जो है दो भी डाल सकते हैं, जिस तरह मैंने आप यहाँ दो चीज़ें डाल दिया है। ओके, अगर आप फ्रेशर्स हैं तो फ्रेशर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे NA लिख दीजिए, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट सैलरी मतलब आपका प्रेजेंट सैलरी क्या है, अगर आप फ्रेशर्स हैं तो यहाँ पे आप ना लिख दीजिए, जीरो लिख दीजिए, कोई भी इशू नहीं है। एक्सपेक्टेड आप लिखना पर आपको मैंडेटरी, आपको कितना एक्सपेक्ट करते हैं सैलरी, तो मैं यहाँ पे 6 to 7 lakhs लिखा है। अगर आप फ्रेशर्स तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 3 to 3.5 से ऊपर मत लिखिए, थोड़ा सा आपको मुश्किल हो जाएगा आपका सिलेक्शन होने के लिए। यहाँ पे आप हाउ सून यू कैन ज्वाइन, यहाँ पे इमीडिएटली कीजिए। अगर आप कोई भी काम करें फिर भी आप इमीडिएटली कीजिए, क्योंकि इमीडिएटली नहीं होगा, कुछ टाइम लगता है आपको, एक दिन महीने तो आराम से लग जाएगा, तो यहाँ पे इमीडिएटली ही आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको देना पड़ेगा आपका अपडेटेड रिज्यूमे, तो अगर आपने रिज्यूमे नहीं बनाया तो रिज्यूमे जरूर से बना लीजिए और आप ही अपना रिज्यूमे डाल दीजिए। रिज्यूमे मेक श्योर करना कि रिज्यूमे आपको जो एक पेज से ऊपर ना हो, तो एक खराब इंप्रेशन पड़ता है। ओके, सो ये उसके बाद आप कर दीजिए फॉर्म को सबमिट। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो पाते हैं, तो आपको आएगा कॉल। उस कॉल में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से नेक्स्ट प्रोसेस होने वाला है, क्या इंटरव्यू वगैरह होगा, सब चीज़ आपको उसमें बता दिया जाएगा। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको जो सिलेक्शन हो जाएगा इस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए जो है जूनियर प्रोडक्ट डेवलपर। ओके, सो आई होप आपको जो है डाउट क्लियर हो चुका है किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना पता चल चुका है। अगर आपका फिर भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन के अंदर। इसके साथ साथ आप जो मुझे फेसबुक में मैसेज कर सकते हैं, आप जो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आप जो मुझे ट्विटर पर मैसेज कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है क्या है प्रोसेस, क्या कंप्लीट, किस तरीके से आप जो अप्लाई करना है। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो जरूर से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप अभी तक जो है आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, इस तरीके की और भी अपडेट्स पाने के लिए, इस तरीके की और भी जो है पार्ट टाइम जॉब या एजुकेशन जॉब में अप्लाई करने के लिए। तो आपसे फिर मिलते हैं हम जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन सबकी मदद कीजिए इन टाइम पे, ताकि हम जो इस टाइप से निकल पाएँ। तो आपसे फिर मिलते हैं हम जो नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।